वेल्थ क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। तो प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, समृद्धि, एबंडेंस, जिंदगी के लिए सुख और चैन से जीने के लिए प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रॉस्परस होना चाहिए। तो प्रॉस्पेरिटी के 3 डायमेंशन्स हमने देखे थे। एक तो है मनी, यू शुड हैव मनी, सफिशिएंट मनी यू शुड हैव। व्हाट इज सफिशिएंट, कितना सफिशिएंट है तो डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए, आप क्या क्या करना चाहते हैं। दूसरा टाइम, वो एंजॉय करने के लिए तो आपके पास टाइम भी चाहिए, वो पैसा खर्चने के लिए, एंजॉय करने के लिए या अपनी इच्छा के मुताबिक जीने के लिए, यूज़ करने के लिए टाइम भी चाहिए। जिसके पास टाइम नहीं है, पैसा बहुत है, कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी कब जिएगा, जीने का मतलब है अपनी इच्छा से, कहीं घूमना चाहता है, पैसा चाहिए, पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, तो कोई फॉरेन अमेरिका इधर उधर घूम के आना, स्विट्जरलैंड वगैरह घूम के आना चाहता है या कुछ करना चाहता है, या बहुत बड़ा आलिशान मकान बनाना चाहता है, या कुछ ऐसी गाड़ी मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ी लेना चाहता है, ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन पैसा चाहिए, नंबर 2 वो एंजॉय करने के लिए, पैसा प्रॉपरली स्पेंड करने के लिए टाइम भी चाहिए। इसी को कहते हैं मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। दोनों में कोई एक, पैसा नहीं है तो टाइम के होते हुए कोई फायदा नहीं, पैसा है टाइम नहीं है एंजॉय करने के लिए कोई फायदा नहीं, ये दोनों बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरा वैसे ही इम्प्लाइड है, हेल्थ, सेहत। मनी, टाइम एंड हेल्थ, ऑल दीज 3 आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ऑल द 3 आर इम्पॉर्टेंट। MTH फार्मूला से बनता है प्रॉस्पेरिटी। जिन लोगों ने ये पिछले वीडियो नहीं देखी तो इस जरूर वो पिछले वो वीडियो पहले देखिए, इसके बाद ये देखिए। तो इस क्लास में मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या डिस्कस करने वाला हूँ, पैसिव इनकम। हमें पता है इनकम 2 प्रकार का होता है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। इसके बारे में ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, पिछले क्लासेस में तो हमने डिस्कस किया भी था। एक्टिव इनकम का मतलब जो वो होता है जो हम एक्टिवली काम करते हैं, अपना टाइम पूरा वहाँ पे देते हैं तो टाइम पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। जैसे जॉब देखो, प्रोफेशन देखो, कोई भी काम, एंड हम पैसे के लिए काम करते हैं, इसका मतलब हमारा सारा टाइम जा रहा है वहाँ पे, नहीं तो पैसा नहीं मिलने वाला है। टाइम देने से ही पैसा मिलेगा, यू आर बार्टरिंग टाइम फॉर मनी, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव इनकम। बट यू डोंट बार्टर एनीथिंग फॉर मनी, पैसा पाने के लिए यू डोंट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं करते, टाइम वगैरह नहीं देते, देते भी तो ना के बराबर है, मतलब पैसिव इनकम है, निष्क्रिय आमदनी। निष्क्रिय का मतलब आप एक्टिव नहीं हैं, एक्टिवली काम नहीं कर रहे फिर भी पैसा आ रहा है। जैसे आप सोते हुए भी कमा रहे, मतलब आप यू आर स्लीपिंग, इवन वाइल यू आर स्लीपिंग यू आर गेटिंग इनकम, इसको पैसिव इनकम कहते हैं। तो पैसिव इनकम तरह तरह की होती है, इसके बारे में तो अलग से मैं बता दूंगा पैसिव इनकम के सोर्सेस कैसे होते हैं। बस एक एग्जांपल, एक कहानी, स्मार्ट वे ऑफ अर्निंग मनी। देखिए, मेहनत कर करके कोई कमाता है, मुश्किल है। मेहनत की कमाई हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत अंतर है। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क से पैसा कमाया जाता है। तो इसके लिए तो आपको ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी समझो, कुछ भी समझो। एक है, अंग्रेजी में लिखा है, जिनका नाम है बर्क हेजेस करके, इन्होंने एक छोटा सा पैराबल लिखा था, उस पैराबल का नाम है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। आप में से कुछ लोगों ने सुना जरूर होगा पैराबल
ऑफ द पाइपलाइन। ये पाइपलाइन रिलेटेड पैराबल है। पैराबल का मीनिंग आप जानते होंगे, दृष्टांत या कुछ नीति कथा, मॉरल स्टोरी, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी कथा, मॉरल स्टोरी, उपमा, मॉरल स्टोरी ऐसा भी ले सकते हैं। दृष्टांत सम एग्जाम्पल के तौर पे, मॉरल के तौर पे कुछ समझाया जाता है, कुछ समझाने के लिए कुछ कहानी के द्वारा समझाया जाता है। ऐसी कहानी है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस कहानियों में एक कहानी एक है, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। और इसमें स्मार्ट मनी कैसे बनाया जाता है इसके बारे में तो समझाया गया था। जस्ट ब्रीफली मैं बता दूं, यहाँ पे एक गांव में, इंग्लैंड ही समझ लो, यूरोप में एक गांव है, उस गांव में पानी की कमी, अकाल जिसको कहते हैं, बारिश बारिश नहीं हो रही थी, पानी सूख गया था, पीने के पानी की कमी आ गई, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और पानी के लिए कहीं दूर जाके लेके आना पड़ता था, लेकिन वो कहीं दूर था, कहीं दूर पे एक नदी थी, उस नदी से लाना होता है पानी, ये तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उस समय गांव वालों के लिए मेयर साहब ने, सरकार तो थी, मेयर साहब ने कहा, ऐलान के अनाउंस किया कि इस गांव को पानी ला के सप्लाई करें, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पैसा देते रहेंगे। दे ही वांटेड टू एंगेज द मेयर अनाउंसड दैट लेट समबडी ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रिवर टू द विलेज। नदी से गांव तक कोई पानी लेके आए, उनको हम पैसा दे देंगे, वी वांट टू एंगेज। उन्होंने अनाउंस किया था उस गांव में दो लड़के, युवा, टू यंग मैन, दोनों दोस्त हैं। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया, यार कोई बात नहीं, बाल्टी वाल्टी कुछ होता है ना, बकेट जिसको कहते हैं, बकेट से पानी तो लाना है, तो हम ला देंगे। जवान है और पैसा कमाने की इच्छा भी है, एम्बिशस है, चलो हम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, हम पानी लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम करेंगे, दोनों दोस्त हैं, एक का नाम ब्रूनो, दूसरे का नाम पैब्लो। ब्रूनो पैब्लो, बी मीन्स मोटा, एक का नाम ब्रूनो, दूसरे का नाम पैब्लो। ये मोटा है, स्ट्रांग है, ये तो वीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है। दोनों मित्र रेडी हो गए और रोज क्या कर रहे थे, वहां से पानी लाने का रोज बकेट लेके जाते थे, दो बकेट दो हाथों से, नदी थोड़ा दूर है, नदी में पानी भर के दो बकेट दो हाथ से लेके जाते, वह विलेज में जो रिजर्वायर था, टैंक, वाटर टैंक था, वो टैंक भरते थे, रोज टैंक भरते थे, गांव वालों को रेशन की तरह पानी मिलता था, खुश है, ये भी खुश है, वो भी खुश है, खूब पैसा कमाने लगे, खूब मतलब मेहनत की कमाई है, कमाने लगे। और इनका एम्बिशन था, इनको अपना घर बसाना, ये था वो था, वो सब था, वो सपने थे, पैसा कमा रहे थे, यस दे आर डूइंग, करते करते कुछ पैसा भी बचा रहे थे। एक दिन ये पैब्लो करके, इसको लगा ये तो गधे की तरह हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, कोई और उपाय ढूंढ ले, क्योंकि ये तो इतना स्ट्रांग मजबूत नहीं था, कमजोर था। इसने सोचा कि जिंदगी भर ये काम नहीं कर सकते हैं, मुश्किल है, सो कुछ तरकीब ढूंढ निकाले। क्या किया था, सोचा तो ऐसा लगा, ये यहाँ पे तो गांव है और यहाँ पे नदी है, समवेयर हियर, ये नदी से थोड़ा सा ऊपर है, पहाड़ है, पहाड़ के अंदर नीचे, तो यहाँ से पानी इस तरह पगडंडी,
पैदल रास्ता था, रास्ता बना हुआ, यहाँ से ले जाके वहाँ पर डाल रहे थे। तो इसने सोचा ये तो कोई तरीका हो, कोई रास्ता हो। क्या सोचा था, इस नदी से यहाँ तक एक पाइपलाइन लगाया जाए, एक पाइपलाइन बनाया जाए, पाइपलाइन के द्वारा पानी इधर से इधर तक पहुंचा दिया जाए। इस तरह पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचा दिया जाए तो सास कैरी करना नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया था। तो अपने दोस्त को बताया, उसने कहा कि नहीं यार जितना जरूरी नहीं, हम तो कर पा रहे, इसमें पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, इसको इतना ये नहीं था, पता नहीं क्या होगा, इसमें बहुत पैसा भी खर्च होगा, उल्टा काम बर्बाद हो जाएगा, काम छोड़ के ये काम करें, नहीं इसकी जगह कोई और आएगा हमारी जगह, पानी तो हमारी नौकरी हमारा काम निकल जाएगा, नहीं पैसा भी खर्च होगा, पता नहीं, ये तो मैं खुश हूँ, मैं अपना घर थोड़ा सा, इसने अपना कुछ थोड़ा सा घर बनाया था, कुछ ठीक ठाक था, नहीं आप करो, मैं नहीं कर सकता, मैं करना नहीं चाहता, डिस्करेज किया। और कुछ लोगों से डिस्कस भी किया था पैबलो ने, गांव वाले भी हंसने लगे, हंस पड़े, अरे यहाँ पाइप लगाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, तू कर पाएगा, सच में आएगा जाएगा, ऐसा करके बोलने लगे। लेकिन इसका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था, इसने काम शुरू किया। कैसे किया, सैटरडे संडे वीकेंड्स में दो दिन छुट्टी, दो दिन पानी कैरी करना बंद कर दिया, दो दिन वो पेड़ वोड काट काट के यो करके इसके लिए तो कुछ करने लगा, दो दिन आमदनी कम हो गई, पांच दिन काम कर रहा था, दो दिन इस पे लगा। इस तरह करते लोग हंस भी रहे थे देख के, करते कुछ पैसा भी लगाना पड़ रहा था, कर रहा था, फाइनली कुछ समय के बाद, ऐसा नहीं कि एक महीना दो महीने में, दो हफ्ता चार हफ्ता में ख़त्म हो गया, इसके तो महीने लग गए, शायद साल लग गए होंगे, करते फाइनली उसने पाइपलाइन बना दिया, ये पाइपलाइन से पानी देने लगा। ये ब्रूनो मोटा स्टर्डी पर्सन, स्ट्रांग पर्सन, सब कुछ है, कुछ समय के बाद ये कैरी कर नहीं पा रहा था, चुपचाप घर पे बैठा और जो पैसा कमाया, जो बचा वो खाने लगा, वो भी ख़त्म होने लगा, जीना दुश्वर हो गया, बुढ़ापे में इसको तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी कभी कभी कर रहा था। लेकिन ये कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत लगी, लेकिन जिंदगी भर ये पाइपलाइन के द्वारा पानी भेजते पाइपलाइन के द्वारा पानी, इसको कैरी करना नहीं पड़ रहा, बकेट का जमान काम ख़त्म कर दिया और इधर से सप्लाई करने लगा, जिंदगी भर आराम से बहुत नोट कमाया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव वालों ने भी कांटेक्ट किया इनको, भाई हमारे लिए भी पाइपलाइन लगा लो, हम भी दे देंगे पैसा, और गांव के लिए भी पाइपलाइन लगा के पानी सप्लाई करने लगा। वो तो बहुत पैसा कमाया, और ऐसा कमाया कि बैठे बैठे काम तो करना नहीं, बकेट कैरियर नहीं बनना, फिजिकल लेबर कुछ भी नहीं है, स्मार्ट वर्क है, पैसा आने लगा। ये स्टोरी कहा जाता है पैसिव इनकम के बारे में। सो पैसिव इनकम कैसे होता है, ऐसा होता है आप काम नहीं कर रहे या ना के बराबर है फिर भी पैसा आ रहा है। और ब्रूनो ने बकेट कैरियर, इसको कहते हैं बकेट कैरियर। सो बकेट कैरियर ने क्या किया था, बकेट कैरियर जब तक कैरी कर रहा था पानी तो पैसा आ रहा था, जिस दिन बकेट कैरी करना बंद किया तो आमदनी खत्म। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, यू कैन से ब्रूनो ने जो किया वो एक्टिव इनकम वाला काम किया, और पैबलो ने क्या किया, एक्टिव इनकम
के द्वारा कुछ पैसा बचा बचा के, एक्टिव इनकम के द्वारा कुछ पैसा बचा बचा के पैसिव इनकम सोर्स डेवलप किया। ऐसा डेवलप किया कि एक्टिव इनकम इसके लिए कुछ भी नहीं है, और एक दिन ऐसा आ गया कि पैसिव इनकम एक पहाड़ बन गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हार्ड वर्क से कोई अमीर बन नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, और स्मार्ट वर्क से बन सकता है। स्मार्ट वर्क कैसे होता है? स्मार्ट वर्क का एक पहलू है, मतलब द वन पार्ट ऑफ द वन साइड ऑफ द कॉइन। स्मार्ट वर्क मीन्स पैसिव इनकम। नॉट एवरी स्मार्ट वर्क इज ए पैसिव इनकम, बट एवरी पैसिव इनकम इज ए पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। देखा? सो पैसिव इनकम इतना महत्वपूर्ण होता है। सो पैसिव इनकम जो लोग डेवलप कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मैं तो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति भी अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। यस, क्योंकि कैसे? एक्टिव इनकम के द्वारा तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कोई जॉब कर रहा है, 10-15-20 हज़ार कमा रहा है, या कोई काम कर रहा है, खेती वती कर रहा है, इतना खास नहीं है, या मजदूरी कर रहा है, तनखा वनखा कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें एक्टिवली जिंदगी भर भी एक्टिवली काम करे, वो तो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता, कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि आमदनी अठानी खर्चा रुपया ऐसा होता है। खर्चा बढ़ता है बुढ़ापे में, और बढ़ जाता है, अस्पताल का खर्चा भी बढ़ जाता है ना। सो जिंदगी भर या केवल एक्टिव इनकम सोर्स के द्वारा कोई अमीर बनना चाहे तो मिराकल्स हो गए तो अलग बात है, अदरवाइज इतना आसान नहीं है। मगर वही मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले भी पैसिव इनकम सोर्स डेवलप करना यदि सीखे, समझे सीखे, वो एक दिन, तुरंत तो नहीं है, जैसे ये भी पैबलो भी तुरंत अमीर नहीं बना, साल लग गए इनको पाइपलाइन लगाने में, लेकिन वन टाइम एफर्ट ऑल टाइम कंफर्ट। पैसिव इनकम की खासियत है वन टाइम एफर्ट, इट इज ऑल टाइम कंफर्ट। सो एवरीबडी कैन बिकम रिच, अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, गरीब से गरीब लोग भी बन सकते हैं, बशर्ते उनके अंदर इच्छा है, इच्छा शक्ति है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट कुड बी द वेरियस, ये तो कहानी है, कहानी जैसा हो गया, पाइपलाइन अब कैसे बनाओगे? पाइपलाइन बनाने इसका मतलब ये नहीं कि पाइपलाइन बना के इस तरह कमाई शुरू करें, ऐसा नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। स्टोरी हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का डिफरेंस क्या है, और हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क से पैसिव इनकम बन सकता है कैसे, जस्ट थोड़ी सी झलक। लेकिन अगले वीडियो में पैसिव इनकम कैसे जनरेट होता है, क्योंकि पैसिव इनकम के बिना मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले कभी भी करोड़पति अमीर नहीं बन सकते, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि दे आर मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास इसलिए है कि उनकी आमदनी लेवल बढ़ नहीं रही है, लेकिन फिर भी पैसिव इनकम सोर्स के जरिए वो अमीर बन सकता है। वो कैसे? अगली क्लास में मैं ये बताने वाला हूँ कि पैसिव इनकम के सोर्सेस कैसे होते हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं जिनके थ्रू कोई अमीर बन सकता है। जरूर देखते रहिए, सोचते रहिए। तो विल सून कम बैक विथ वेरियस सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम, जस्ट लाइक अ पासपोर्ट टू बिकम ए करोड़पति।